दोस्तों, अगर आप लोग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा पीजी में नामांकन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप एमए या एमएससी या एमकॉम में नामांकन लेना चाहते हैं कि इस विषय में कितना सीट खाली है, आइए इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और साथ ही पीजी के जो कॉलेज हैं वो कौन कौन से कॉलेज हैं, इस बार कुछ कॉलेज बढ़े हैं तो वो भी आपको अपडेट दूंगा, तो बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस बार ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा लगभग 12,500 सीटों पे नामांकन लिया जाएगा। तो जो भी छात्र का ऑनर्स पेपर में यानी ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर में 45% मार्क्स से अगर अधिक होगा ऑनर्स पेपर में, तो उनका नामांकन आसानी से हो जाएगा। और इस बार जो नामांकन होगा वो हमने आपको पहले बता दिया है कि मेरिट के आधार पर होगा, आपको किसी प्रकार का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना है। और इसके लिए अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आप अपना जाति और साथ ही इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, वो आपको आसानी से सीएससी से बन जाएगा, या आप चाहे तो आप लोग खुद से भी ऑनलाइन करके बनवा सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं किस विषय में कितना सीट खाली है। पिछले बार के मुताबिक मैं बताता हूँ, क्योंकि अभी तक यूनिवर्सिटी की ओर से ऑफिशियल जो पीडीएफ है वो तो जारी नहीं हुआ है, तो पिछली बार जो था उससे कुछ सीट अधिक होगी। तो पिछली बार लगभग यहाँ पे 8 कॉलेज थे, इस बार कुछ कॉलेज बढ़े हैं, जैसे कि समस्तीपुर के एक बीआरबी कॉलेज बढ़े हैं जहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स ये सभी सब्जेक्ट में इस बार ऑनलाइन अप्लाई हो सकते हैं। देखिए कौन कौन से कॉलेज हैं ये मैं आप सभी छात्र को बता देना चाहता हूँ। तो ये एक यूनिवर्सिटी कैंपस में है कॉलेज, इसके बाद CM साइंस कॉलेज दरभंगा में, CM कॉलेज दरभंगा, उसके बाद MRM कॉलेज दरभंगा, RK कॉलेज मधुबनी, समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर और RB कॉलेज दलसिंहसराय, इसके बाद GD कॉलेज बेगूसराय। इसके साथ ही दोस्तों इस बार कुछ कॉलेज भरे हैं, उनका नाम हमने बताया, BRB कॉलेज और एक दो और कॉलेज हैं। तो जो भी होगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम के माध्यम से, या आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो ये PDF इसी प्रकार का PDF आपके सामने आएगा, तो उसके माध्यम से आपको अपडेट मिल जाएगा। देखिए मैथमेटिक्स यानी गणित में टोटल 552 सीट थे पिछले बार, तो इस बार लगभग 600 के आसपास सीट होंगे। इसके बाद फिजिक्स यानी भौतिकी की बात कर रहे हैं तो इसमें भी लगभग पिछले बार 504 सीट थी, तो वही आसपास रहने वाला है। इसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो 504 पिछली बार के मुताबिक इस बार वही 10-20 सीट बढ़ेंगे, क्योंकि पिछली बार 11,808 सीट थी और इस बार 12,500 सीट है। तो इसी प्रकार से वही मैं बात करूं तो सब्जेक्ट वाइज कुछ जो सीट हैं वो बढ़ जाएंगे। उसके बाद बात करें वनस्पति शास्त्र की बात करें तो यहाँ पर भी 504 सीट, वाणिज्य की बात करें तो लगभग यहाँ पर 1100 के आसपास सीट इस बार होने वाला, क्योंकि पिछले बार 1080 सीट था। और जंतु विज्ञान दोस्तों, उसके बाद जंतु विज्ञान की मैं बात करूं तो इसमें भी आपको लगभग 504 सीट उपलब्ध थे पिछले बार, और इस बार कुछ अधिक सीट होंगे। कुछ मैं बात करता हूं संगीत एवं नाट्य शास्त्र में, इसमें भी लगभग 120 सीट थी, और वही बात करें गृह विज्ञान की यानी होम साइंस की तो इसमें भी लगभग 120 सीट पिछली बार था और इस बार 130 हो सकता है। वही बात करें तो AIH सब्जेक्ट में आपको लगभग 360 सीट हैं, और उसके बाद मनोविज्ञान इसमें भी आपको लगभग 720 सीट हैं। तो अगर आप लोग ये सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आप लोग के लिए अच्छा है। इसके बाद संस्कृत की मैं बात करूँ तो 360 सीट हैं, और उसके बाद मैं बात करूँ दर्शन शास्त्र का तो इसमें भी 360 सीट पिछले बार था। इसके बाद भूगोल की बात करें तो इसमें भी आपको लगभग 240 सीट हैं, कुछ इस बार बढ़ सकते हैं क्योंकि BRB कॉलेज में भी इस बार भूगोल की पढ़ाई स्टार्ट होगी। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ तो उर्दू वाले स्टूडेंट के लिए लगभग यहाँ पे 480 सीट है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं समाज शास्त्र, इसमें भी लगभग पिछले बार 240 सीट था और इस बार भी वही रहने वाला है। इसके बाद इंग्लिश की बात करें यानी अंग्रेजी की तो इसमें भी लगभग 840 सीट थी और इस बार 900 पार हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों वही बात करें तो राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस की तो इसमें भी ये काफ़ी स्टूडेंट लेते हैं पॉलिटिकल साइंस, तो इसमें लगभग 960 सीट है तो इस बार 1000 सीट के आसपास जा सकता है। वही मैं दोस्तों यहाँ पे बात करूँ हिंदी सब्जेक्ट की तो इसमें भी लगभग 840 सीट है। करूँगा अर्थशास्त्र के बारे में तो इसमें भी लगभग आपको यहाँ पे 960 सीट है। इतिहास की मैं बात करूँ
तो इसमें आपको लगभग 1200 सीट है। मैथिली की मैं बात करूँ तो टोटल यहाँ पे आपको 360 सीट है। तो ये पिछली बार का रिपोर्ट है, इस बार कुछ ना कुछ सीट बढ़ेगी और जो भी हमारे पास अपडेट होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इस प्रकार से पिछले बार जो टोटल सीट था वो 11,808 था और इस बार जो टोटल सीट होगा वो 12,500 सीट होगा। तो जो भी अपडेट होगा हमारे पास वो मैं आप सभी छात्र को अपडेट कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब कीजिए। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग गूगल पर जाए, सर्च कीजिए खबरी सपाटा और प्रथम नंबर पे जो भी वेबसाइट आता है उसको ओपन कीजिए और उसके बाद पीजी एडमिशन से संबंधित एक पोस्ट लिखा गया है उस पोस्ट को रीड कीजिए, आपको सभी जानकारियाँ मिल जाएगी। या आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और साथ ही वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है।